हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलके क्लासेस एंड माय नेम इज ललित। गाइस आज हम बात करने वाले हैं 5G से लेकर। गाइस कई सारे मैसेजेस और इंस्टाग्राम पर कई सारी ह्यूमर्स, कई सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि जो 5G है उसके ट्रायल से वजह से ही ये जो कोरोना पेशेंट्स के जो संख्या है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इट मीन्स उनका कहना ये है कि 5G ट्रायल के वजह से ही कोरोना इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है जिससे लोगों की जान जा रही है। तो गाइस इस बात में कितने सच्चाई है और ये सच में रियली फैक्ट है या नहीं है, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। साथ साथ मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि 5G का कनेक्शन क्या है इस चीज से रिलेटेडली, और साथ साथ गाइस वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। कई सारे लोगों का मानना है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की मौत हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, और प्लीज अगर आपने मेरा आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे रिलेटेड ऐसी और भी आपकी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहे। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको 5G के बारे में। गाइस 5G में यानी जी का मतलब जनरेशन है। गाइस कई सारे आजकल कई सारे मैसेज इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर ये ह्यूमर्स उड़ रहे हैं, यानी कि अफवाहें उड़ रही है जिसमें कहा गया है कि जो 5G है उसके वजह से, 5G ट्रायल के वजह से कई जो कोरोना के पेशेंट्स में इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 5G के कारण कोरोना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और 5G से कई सारे साइड इफेक्ट राइजेस हो रहे हैं। तो गाइस इस बात में कितनी सच्चाई है, साथ ही साथ गाइस ये 5G है क्या, मैं इसके बारे में आपको पूरा कंफर्मली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ गाइस मैं आपको वैक्सीन के बारे में भी बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए जरूर आगे तक, जिससे आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि सच में ही वैक्सीन से डेथ हो रही है या नहीं। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले 5G के बारे में। गाइस 5G में जी मतलब जनरेशन होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो गाइस ये जो स्टार्टेड हुआ था 1G से रिलेटेड। गाइस जब 1G आया था उस समय ओनली हम कॉलिंग कर सकते थे, और कॉलिंग कर सकते थे उस समय इतनी ज्यादा नेट की स्पीड नहीं होती थी जिससे कुछ हम बेसिक जैसे अपने मैसेज ट्रांसफर कर सके या अदर चीजें इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर सके, तो इसलिए उसमें ओनली कॉल करना ही पॉसिबल हो पाता था। और जिस आपने देखा होगा पहले टाइम पर जो फोन होते थे उसके बड़े बड़े एंटीनाज होते थे, एंड उस कंडीशन तो उन फोनों में हम सिर्फ ओनली कॉल कर सकते थे। उसके बाद गाइस आया सेकंड जनरेशन यानी कि 2G आया। जब गाइस 2G आया उसके बाद हम साथ साथ कॉल के साथ साथ मैसेजिंग भी कर सकते थे, यानी कि टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते थे। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हमारे जी बढ़ते गए, जैसे जैसे हमारे अपग्रेडेशन होता गया, यानी जो हमारे मोबाइल्स हैं वो भी हमारे अपग्रेड होते गए, जो अप्लायंस से कई सारी चीजें उनमें भी मॉडिफिकेशन होता गया, वो भी सारे के सारे अपडेट होते गए जी के बढ़ते बढ़ते। अब जब गाइस 3G आया उसके साथ साथ हम अब क्या कर सकते थे, जब हम पहले ओनली कॉल कर सकते थे और उसके बाद हम ओनली मैसेज कर सकते थे, लेकिन अब हम पिक्स को भी हम शेयर कर सकते थे। उसी के साथ आपके मोबाइल फोन के एरा में बहुत बड़ा बदलाव आया, अब मल्टीमीडिया फोन आ गए, जैसे कि आप कैमरास लेके फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को, कई सारे मल्टी फंक्शंस भी कर सकते थे। ये सब पॉसिबल हो पाया 3G के आने से। उसके बाद गाइस हमारा 4G आया 2009 में, लेकिन गाइस इंडिया में 4G को आने में बहुत समय लग गया, बहुत टाइम लग गया। सबसे पहले हमारे इंडिया में 4G रिलायंस द्वारा लाया गया था, ये आप सबको पता है। गाइस अब बात आती है हमारे 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन की। गाइस फिफ्थ जनरेशन के आने से कई सारे ह्यूमर्स उठने लग गए हैं जो मैंने आपको बताया गाइस, लेकिन गाइस कई सारे हमारे एक्सपर्ट ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि 5G का कोई भी कोरोना से संबंध नहीं है, यानी कि कोरोना जो ये जो सेकंड वेव इतनी तेजी से फैल रही है इसका कोई भी लिंक नहीं है 5G के वजह से। गाइस कई सारे हमारे एक्सपर्ट ने इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दे दी है कि 5G के ट्रायल से कोरोना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि कोरोना से इसको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, या फिर कोरोना इसके वजह से इतना ज्यादा फैलने वाला कारण कोई इससे रिलेटेड नहीं है। गाइस जो ये कोरोना फैल रहा है ये जो इसका सेकंड म्यूटेंट है इसके वजह से ज्यादा फैला, क्योंकि गाइस ये जो सेकंड वेव में जो कोरोना की जो सेकंड म्यूटेंट आया है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इट मींस गाइस ये पहले के मुकाबले ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, कहूं तो लोकल लैंग्वेज में ये अपग्रेड हो चुका है, ये उससे पहले ज्यादा एडवांस हो चुका है, जिससे रिलेटेड क्या है हमारे बॉडी सेल्स अब इतने ज्यादा कारगर नहीं हो पा रहे हैं कि उससे डिफेंस कर सके। तो गाइस अब इसी को लेकर मैं आपको वैक्सीन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मैं अभी क्लियरफाई करता हूँ 5G के। लेकिन गाइस 5G के आने से हमारे कंट्री में भी बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और कुछ थोड़े बहुत लॉसेस भी हैं। गाइस जैसे मैंने आपको बताया रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव पे वर्क करता है, तो गाइस जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है ये ज्यादातर क्या करती है, जो हमारे बर्ड्स हैं पक्षी इनको इफेक्ट करती है, इस चीज के लिए मैं नकारूंगा नहीं, ये इन चीज को इफेक्ट करती है, बट लेकिन गाइस कोरोना पे इनका कोई भी लिंक नहीं है। तो गाइस जो भी आप ह्यूमर्स देख रहे हो, जो भी अफवाहें उड़ रही हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर या मैसेजिंग पर, तो गाइस प्लीज उसे अवॉइड करें, इन चीज पर ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है गाइस। तो गाइस घर में सेफ रहें ज्यादातर, क्योंकि जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें चारों तरफ पॉजिटिविटी बनाए रखें, जो आसपास आपको ज्यादा स्ट्रेस ना आए। और गाइस जो मैंने आपको बताया 5G यानी कि
फिफ्थ जनरेशन के आने से क्या होता है गाइस, कई सारे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में इनहेंस होगा, अपग्रेडेशन होगा। जैसे कि गाइस पहले मैंने आपको बताया 4G के आने से हम वीडियो कॉलिंग करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। पहले 4G नहीं था, 3G में हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन अब 4G के वजह से हम वीडियो कॉलिंग आसानी से कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। साथ ही साथ गाइस 5G के आने से आप कई सारे अप्लायंस को कंट्रोल कर पाएंगे गाइस, जैसे कि आप अपने ही फोन के मदद से अपने डोर को ओपन या क्लोज कर पाएंगे, या बाय चांस ये आपका गीजर बंद करना भूल गए हो तो आप अपने फोन से ही गीजर को ऑफ कर पाएंगे, अपने घर की जो लाइट होती है उनको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर पाएंगे, फैन को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर पाएंगे। ऐसे कई सारे चीजें आप बाय द फोन ही आप उन्हें हैंडल कर पाएंगे गाइस, ये सब पॉसिबल हो पाएगा ओनली 5G के मदद से। साथ ही साथ गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया इसके एडवांटेज तो हैं, साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि हमारे जो रेडियो की वेव्स होते हैं इससे पक्षियों पर बुरा असर पड़ता है, हमारे थोड़ा ब्रेन पर भी इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इन गाइस बेसिकली अगर आप थोड़ा पॉइंट को अवॉइड रखोगे, थोड़ा दूर रखोगे तो इससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो गाइस ये बात थी 5G से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड इतने सारे मैसेज इतने सारे ह्यूमर्स उठ रहे हैं, इसलिए मेरा फर्ज बना कि मैं आपको उससे क्लियर कर देता हूँ कि 5G इस चीज से कंडीशन किसी कोई भी कोरोना से रिलेटेड की कोई लिंक नहीं है। अब बात आती है गाइस वैक्सीनेशन को लेकर। गाइस कई सारे हमारे देश के अंदर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो वैक्सीन को लेकर ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से लोगों की मौत हो रही है गाइस, लेकिन मैं क्लेरिफाई करता हूँ वैक्सीन लगाने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है गाइस। मैं आपको एक बेसिक फंडे से समझाता हूँ, आप ध्यान दें गाइस। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या वर्क करता है, जब हमारे अंदर किसी भी तरीके के वायरस आते हैं तो वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। तो गाइस पहले क्या करता है, जब हमारे अंदर किसी चीज का वायरस आता है, जैसे कोरोना वायरस हमारे अंदर इंटर करता है, तो उसके अंदर पहले जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, मतलब इट मीन जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, पहले उसे एनालाइज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखता है कि उसको किस तरीके से एंटीबॉडीज बननी चाहिए जो उसको रोक सके। इसी चीज को करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, और इस बीच में लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फीवर आना है ना, क्या नाम, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, ऐसे कई सारे कारण हो जाते हैं। ये गाइस तब होता है जब आपके शरीर में वैक्सीन नहीं लगी है और उस कंडीशन में आपका इम्यूनिटी सिस्टम वर्क कर रहा होता है अपने आप को डिफेंस करने के लिए, तो इस चीज में थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। और जिस चीज की इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है तो वो इस चीज को सर्वाइव कर जाता है, जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होता वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे गाइस आपको पता है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो हमारे एजेड है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनको, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको, क्योंकि गाइस क्या होता है इनके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और इतनी जल्दी से वो एंटीबॉडीज बना नहीं पाता। इम्यूनिटी सिस्टम होता है लेकिन इनके अंदर एंटीबॉडीज बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इतनी नहीं होती। जैसे हमारे अंदर जो हमारे एजेस में जो इम्यूनिटी सिस्टम में जो एंटीबॉडीज बनती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, और लेकिन जो एजेड होते हैं और जो थोड़े बच्चे होते हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज बड़ी मात्रा में नहीं बन पाती, जिस वजह से इनको इस चीज से सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब गाइस वैक्सीन क्या काम करती है, वैक्सीन ये काम करती है, जब वैक्सीन आपके शरीर में लगाई जाती है तो उससे क्या होता है, ये वैक्सीन जो होती है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को पहले से ही बता देती है कि ऐसा फ्यूचर में आपके शरीर में कोई ऐसा वायरस आएगा तो उसका ये कोड है, मतलब इस तरीके की आपको एंटीबॉडीज बनानी होगी। तो जैसे ही जब वो वायरस आपके शरीर में आएगा तो आपका शरीर, आपका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। इस समय क्या होगा, अब उसको पहले से उस वायरस को एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो वायरस को एनालाइज करेगा ना वो इतना ज्यादा टाइम पीरियड लेगा जिस वजह से एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगे। अब आपको वैक्सीन लगा दी गई है जिस वजह से वो तुरंत जैसे ही वायरस आपके शरीर में आएगा वो एक्शन में आ जाएगा और तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज करना लग जाएगा, और जब एंटीबॉडीज रिलीज करने लगेगा तो आपके शरीर को डिफेंस करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस अब बात आती है, कई सारे लोगों का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के, मतलब वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी कई सारी डेथ हुई है। तो गाइस मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ इन चीज में क्या होता है, जब वैक्सीन लगाई जाती है तो गाइस क्या होता है, आपको पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर नीचे होता है क्योंकि उस समय क्योंकि जो जो वैक्सीन है वो थोड़ी हैवी होती है, तो उसमें आपको नॉर्मली आपको 3-4 days या 1 week तक भी आपको फीवर रह सकता है, आपके शरीर में पूरे शरीर में दर्द भी रह सकता है और छोटी मोटी चीजें आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आपको ज्यादा ही हो रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके अकॉर्डिंगली, और अगर ये बेसिक ही है आपको 3-4 दिन तक प्रॉब्लम होनी है, ये नॉर्मली सबके साथ भी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ है कि वैक्सीन लगाने के बाद कम्प्लीटली तुरंत देते हुए। इसके कई सारे कारण, कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप अच्छे से खाना खा के नहीं जाते हो, या फिर आप अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हो, या फिर उस समय आपको पहले से ऑलरेडी फीवर था और आपने उस समय वैक्सीन लगवा रही हो, या फिर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है आपको बहुत ज्यादा और उस समय आपने वैक्सीन लगा ली हो, या फिर आपको उस समय ऑलरेडी पहले से ही फीवर था, या पहले से ही आपको कोरोना के कुछ लक्षण थे उस समय भी आपने वैक्सीन लगा ली हो, तो इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
ठीक है गाइस, ये सारे और जो गाइस हमारे एजेड होते हैं उनमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे देखने को मिली है, तो इसीलिए इस चीज से कई सारी डेथ जा रही है। लेकिन गाइस मैं आपको पहले कई सारी ऐसी कंट्री एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमारे इजराइल जो अभी न्यूली पूरे 1 साल सर्वाइव करने के बाद उसने अपने पूरे देश में वैक्सीनेशन लगा ली गई है और उन्होंने भी रिसेंटली कंट्री को अनाउंस कर दिया है, कोविड फ्री कंट्री अनाउंस कर दिया, क्योंकि गाइस उन्होंने जितनी भी पॉपुलेशन थी उन सबको वहां पर वैक्सीन लग चुकी है। अब वैक्सीन लग चुकी है तो उन्होंने अभी सेलिब्रेट भी किया था, उसमें अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे विदाउट मास्क विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे इस ईव को इसी रिलेटेडली। तो गाइस यही मैं बताना चाह रहा हूँ, कई सारी कंट्रीज है, न्यूजीलैंड हो गया, इन सब ने अपनी कंट्री ने इन सब ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो इसलिए वहां पर डर कम हो चुका है। गाइस रीजन क्या है, वैक्सीन मैंने आपको बताया, वैक्सीन लगवाने से हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है, जो वायरस आएगा आपको 50-60% या 70% तक आपको वो उस वायरस से प्रोटेक्ट कर सकता है, बाकी आपका शरीर इतना कैपेबल होता है कि वो किसी भी तरीके से वायरस से आप धीरे धीरे आराम से लड़ सके। और ऐसे में अगर आपको कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी से रिकवर, मतलब आपके डेथ होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके डेथ होने के चांसेस तक आ जाए। गाइस मैं यही कहूंगा किसी भी बातों पर विश्वास ना करें, ये जो वैक्सीन से रिलेटेड जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस पे विश्वास ना करें, क्योंकि गाइस एकमात्र यही इलाज है वैक्सीनेशन। अगर हमारी कंट्री में सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो गाइस कोरोना से डर ना के बराबर हो जाएगा। और गाइस साथ ही साथ हमें जब तक कि हमें वैक्सीन नहीं लग जाती और वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। गाइस जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे वैक्सीन लगाने के बाद भी हमारे अंदर कोरोना वायरस आ सकता है, ये नहीं है वैक्सीन लगाने के बाद नहीं आएगा, लेकिन गाइस आपकी उस समय बॉडी इतनी कैपेबल हो जाती है, यानी कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही पता लग जाता है तो उसके रिलेटेड एंटीबॉडीज बनाना तैयार कर देता है। लेकिन गाइस अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा या आपको और भी कई सारी बीमारियां और प्रॉब्लम तो गाइस उस केसेस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरा कहना यही होगा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, साथ ही साथ गाइस मास्क जरूर पहने और जो भी पब्लिक प्लेसेस पर जाने से अवॉइड करें जितना हो सके जब तक सारी स्थिति आपकी संभल ना जाए। तो गाइस मैं आपसे यही कहूंगा घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ गाइस जितने भी हो सके मोटिवेट एक दूसरे को करें। गाइस कहा ये देखा जा रहा है कि अगर किसी को नॉर्मली हल्का फुल्का फीवर भी होता है तो वो इतना ज्यादा डर जाता है कि यार गाइस कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है, उस कंडीशन में वो सोचने लग जाता है कि मुझे गले में कुछ खराश हो रही है, या फिर गाइस वो सोचते हैं टेस्ट बर्ड हमारे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या सोचता है कि ब्रीथिंग सही से नहीं आ रही है। तो जैसे जैसे वो सोचता है, रियलाइज करता है, सोचता है, वैसे वैसा ही इल्यूजन क्रिएट होने लग जाता है। क्यों गाइस मैं आपको बताता हूँ, हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो चीज नहीं है अगर हम उस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं तो वो चीज हमें रियलिटी में लगने लग जाती है। गाइस मैं एक छोटी सी आपको बात बताने वाला हूँ जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। गाइस जैसे कि एक बेसिक एक्सपेरिमेंट किया गया था, कुछ दो टीम बनाई गई थी जिनको सेम सिम्टम थे, सेम प्रॉब्लम थी, उनमें से कुछ लोगों को मतलब उस चीज से रिलेटेड दवाइयां दी गई और कुछ लोगों को दवाई की जगह पर बस कुछ मीठी गोली होती है वो दी गई, लेकिन वो का कलर बिल्कुल सेम था तो इसलिए उनको जिसे पता ना लगे। और उनके साथ जो भी उनका खान पीन था, डेली रूटीन था, एक्सरसाइज था, सब कुछ सिमिलर ही रहा, बट लेकिन बस एक को दवाई दी जा रही थी और एक को नहीं दी जा रही थी। तो उस कंडीशन में गाइस जब आफ्टर पूरा जो एक्सपेरिमेंट का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के बाद दोबारा से चेक किया गया, तो भाई जिनको दवाई दी जा रही थी वो तो ऑब्वियसली उनको ठीक होना ही था, लेकिन जिनको टेबलेट या दवाई नहीं दी जा रही थी उन वो भी इम्प्रूव कर रहे थे और वो भी ठीक हो रहे थे। तो भाई इससे क्या पता लगता है, अगर हमारे ब्रेन को पता है, अगर हम सोचे कि हम ठीक हो रहे हैं या हम नेगेटिविटी की तरफ ना ध्यान दे ज्यादा, तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से वर्क करता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है आपसे कि आप जब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, या आपको सर्दी, क्योंकि गाइस मौसम ऐसा ही चल रहा है, इसमें जब मौसम चेंजेस होता है तो उस समय आपको फीवर, सर्दी, जुकाम होना नॉर्मल है। तो मैं आपको कहूंगा कि ठंडी चीजों से ज्यादा थोड़ी अवॉइड करें, ज्यादा हो सके तो नॉर्मली आप वार्म वाटर लें और आप जो भी काढ़ा होता है घर में उनका उपयोग करें, हल्दी वाला दूध जरूर सेवन करें और एक्सरसाइज गाइस जरूर करें, डेली आपको एक्सरसाइज करना कंपलसरी। ब्रीथिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कई सारी यूट्यूब पे दे रखी है आपको एक्सरसाइज, वहां से देख के कर सकते हैं गाइस आप, लेकिन एक्सरसाइज डेली जरूर करें गाइस। और घर में वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखें, अपने डोर वोर को ओपन करके रखें डे में एक बार जरूर, जिससे फ्रेश एयर आ सके, सर्कुलेट हो सके।
तो गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड रिलेटिव सबके साथ शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो ये आप सबको मिल सके, कोई ज्यादा ह्यूमर्स में ना फंसे। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्ट एंड गाइस ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस।